हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल स्पीशीज है। फ्री रेडिकल में वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल CH3 dot C2H5 dot C6H5 dot, ये सब क्या है? फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल हैं। फ्री रेडिकल में क्या होता है कि जो कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और इसका जो एक ऑर्बिटल है उसके अंदर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के अंदर, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी शेप क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर। ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। नाउ इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे हम जो हमने फ्री रेडिकल लिया है इसके अंदर हाइड्रोजन को अगर हम फ्लोरीन से रिप्लेस कर दें, सपोज करो हमारे पास में ये फ्री रेडिकल है, सो इसकी जो शेप होती है वो पिरामिडल होती है। ये जो फ्री रेडिकल है इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? पिरामिडल होगी। तो ऐसा क्यों होता है? मींस अगर हम हाइड्रोजन लगाते हैं तो शेप आती है ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर वहीं पे हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा देते हैं तो वहां पे जो शेप आती है दैट इज पिरामिडल। तो इसका रीजन क्या है कि जो हमारे पास में ये जो फ्री रेडिकल था और ये जो फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल में क्या है? कार्बन और फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन कार्बन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के अंदर जो भी पी कैरेक्टर है, ये जो बॉन्ड होगा इसके अंदर जो भी पी कैरेक्टर है, जो 3 बॉन्ड्स हैं इनमें जो पी कैरेक्टर है दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो जो पी कैरेक्टर है वो मोर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? फ्लोरीन की तरफ। सो फ्लोरीन की तरफ अगर पी कैरेक्टर शिफ्ट हो गया तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो एस कैरेक्टर है दैट विल बी शिफ्टेड मोर टूवर्ड्स कार्बन एटम, और एस जो कैरेक्टर है वो कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट होगा, सो वहाँ से एक लॉन पेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो इसी वजह से यहाँ पे शेप क्या हो गई? पिरामिडल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्री रेडिकल्स हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं वो? पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज है। फ्री रेडिकल जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या होते हैं? एक्सट्रीमली रिएक्टिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स ड्यू टू देयर tendency to acquire one more electron। यहाँ पे जो free radical था इसमें जो carbon है, carbon के पास कितने electron है वैलेंस में? 7 electrons है। उसको अगर अपना octet complete करना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसी वजह से ये क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह इजीली एक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जो फ्री रेडिकल हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, दे कैन बी फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, इसको अभी हम प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास में ये एक कंपाउंड है, ये जो बॉन्ड है इसके अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स है, सो यहां से ये क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। तो यहां से क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O डॉट प्लस R डॉट। नेक्स्ट क्या होगा, यहां से ये जो स्पीशीज है इसका ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और यहां से बनेगा R डॉट प्लस Cu। सो यहां से ये क्या बना, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन से हम फ्री रेडिकल को बना सकते हैं होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू। नेक्स्ट इज बाय थर्मल रिएक्शन, बाय थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन में हम क्या करेंगे, टेट्रामिथाइल लेड है उसकी हीटिंग करेंगे 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे फोर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल्स के प्लस लेड। सो थर्मल रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होगा, ये हमारे पास में RCOO नेगेटिव आयन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव है मीन्स यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CO डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, सो R डॉट प्लस CO2, यहाँ से क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या होगा, C6H5 थ्राइस CCl, इसको अगर हम सिल्वर के साथ ट्रीट करें, यहाँ से AgCl है दैट विल रिलीज प्लस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल C6H5 थ्राइस कार्बन डॉट। नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर, जैसे हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं, सेम वैसे ही फ्री रेडिकल्स की भी स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। सो फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है दैट इज सिमिलर टू स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटायन। हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। सो इनको हमें ऑर्डर में अरेंज करना है स्टेबिलिटी में, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। सो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो फर्स्ट अगर चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, सो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा,
मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स एंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन. सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गई. सिमिलरली इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गई. यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गई और इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गई. सो मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल. सो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल. सिमिलरली सेकेंड अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट चेक करें, सो मोर द प्लस आई ग्रुप अटैच्ड विद द फ्री रेडिकल मोर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. जो फर्स्ट केस है इसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, सेकंड में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, थर्ड में 1 मिथाइल ग्रुप, फोर्थ में कोई भी ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है. सो मोर द प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं, इस कार्बन की जो फ्री रेडिकल का जो कार्बन होता है उसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है. यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसको स्टेबलाइज करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी 3 डिग्री विल बी मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल. सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है फ्री रेडिकल का, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फॉलोड बाय 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल. नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. सपोज हमारे पास में ये एक कंपाउंड गिवन है, ये फ्री रेडिकल, सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस वन, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो ये जो कंपाउंड्स गिवन है हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फर्स्ट केस है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गई. यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन. इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 7 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे ये 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे एक रेजोनेंस भी पॉसिबल है. वो कैसे होगा, ये जो बॉन्ड है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ये डॉट अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा. ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे डॉट. फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसके अंदर रेजोनेंस है, यहाँ से ये क्या होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ, ये डॉट आ गया इसका ऑर्थो पोजीशन के ऊपर. डॉट नाउ यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ
this molecule डॉट. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. सो यहाँ से ऐसे इनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. सो सबसे ज्यादा जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो किस केस में है, फिफ्थ केस में. सो फिफ्थ विल बी मोर स्टेबल. देन जो फोर्थ केस है उसमें एक रेजोनेंस है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है. सो फोर्थ विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड, सेकेंड एंड वन. यहाँ पे हम चेक करते हैं मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी. सो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल थर्ड विल बी मोर देन फर्स्ट फॉलोड बाय सेकेंड. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स. Now moving to next question. Next question is, ये एक benzyl free radical है. ये भी benzyl free radical है. But यहाँ पे दोनों side में benzene ring है. थर्ड वन इज दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू थ्री बेंजीन रिंग्स. इनमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है. सो यहाँ पे जो डॉट है, फ्री रेडिकल है, ये रेजोनेंस शो करेगा इस रिंग के साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में. मीन्स यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे. इसमें ये फ्री रेडिकल है वो रेजोनेंस शो करेगा इन दोनों रिंग्स के साथ में. यहाँ पे ये जो है ये रेजोनेंस करेगा सिर्फ इसके साथ में. सो मोर द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स. सो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, थर्ड वन विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड देन फर्स्ट.